तो आज की बड़ी खबर यह है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ सकता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कई और बड़ी यहां पर योजनाएं लागू की है, जिसके तहत अब हर परिवार को यहां पर लाभ मिलने वाला है। कम से कम 10,000 तक का लाभ अब परिवार को मिल सकता है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत 3 गैस सिलेंडर भी फ्री देने का यहाँ पर ऐलान किया। इसके साथ ही कई और पैकेज भी यहाँ पर राहत पैकेज दिए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी गरीबों के लिए। अब यहाँ पर बड़ा ऐलान किया है तो उज्ज्वला योजना के तहत आपको कैसे सिलेंडर मिलेंगे, इसके लिए भी आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पर समझा देते हैं। सबसे पहले उज्ज्वला योजना के तहत आपको यहाँ पर सब्सिडी के तौर पर आपके खाते में 770 रुपए यहाँ पर सब्सिडी के तौर पर मिलेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो आपको बुकिंग करानी होगी इस गैस सिलेंडर के लिए। इसके अलावा जनधन खाते धारक महिलाओं के लिए 500 रुपए 3 महीने तक दिए जाएंगे। इसकी पहली किस्त 500 रुपए की सभी खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। आपके पास अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके अनुसार आप अपना खाता चेक घर बैठे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 2 किस्तें और यहाँ पर इस योजना के तहत जनधन खाते में पहुंचेगी। इसके अलावा 80 करोड़ गरीबों के लिए 3 महीने के लिए यहां पर 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त देने का ऐलान किया है। तो सभी गरीबों के लिए यानी 80 करोड़ यहां पर गरीबों के लिए इस योजना का लाभ यहां पर पीएम मोदी। इसके अलावा 8 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में 2,000 ट्रांसफर हो चुके हैं। तो आप जल्दी से जो है अपना खाता चेक कर लें। आपके खाते में लगभग यहाँ पर एक परिवार के खाते में 10,000 रुपए तक ट्रांसफर हो रहे हैं। इसके अलावा मनरेगा के मजदूरों को 182 की जगह 202 रुपए की अब यहाँ पर दिहाड़ी मिलेगी, यानी बहुत ज्यादा लाभ यहां पर मिलने वाला है। किसानों के लिए यहां पर बड़ा ऐलान है और सभी किसानों के खातों में पैसे जाना शुरू भी हो चुके हैं। इसके अलावा 3 करोड़ बुजुर्ग गरीब विधवा विकलांगों को 1,000 रुपए ज्यादा पेंशन देने का ऐलान यहां पर किया है। इसके अलावा छोटी कंपनियों के यहां पर कर्मियों के लिए पीएफ खाते में 3 महीने तक पैसे डालेगी सरकार। तो कहना होगा कि हर परिवार को लेकर यहां पर कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि महामारी का दौर इस दौरान यहां पर पीएम मोदी ने 1,70,000 करोड़ का यहां पर बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं को 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा महामारी का इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का भी बीमा बढ़ा दिया गया है। 50 लाख का बीमा उनका हो चुका है। तो ये पीएम मोदी की तरफ से बड़ी योजनाएं लागू की इस महामारी के दौर में। आप अगर किस भी राज्य से हैं तो अपना राज्य का नाम लिखकर यहाँ पर कमेंट कीजिए कि आपके खाते में पैसे आए या नहीं, तो आपके लिए उस तरह का एक नया वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर देंगे।